विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आज साहिल उपखंड मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने किया। हमारे साथ उमा शंकर जी से बात करते हैं। जी समाज बताएं, आज इस जन सुनवाई में क्या क्या समस्याएं थी और लोगों की क्या समस्या आपने सुनी? देखिए, यह कार्यक्रम है हमारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392। इसकी प्रथम चरण में शुरुआत बीकानेर संभाग के 4 जिलों की 36 तहसीलों पर की गई, फिर द्वितीय चरण उदयपुर संभाग के 6 जिलों के अंदर हमें सुनवाई की 72 तहसीलों पर। आज हम 113वीं तहसील में खड़े हैं साहिला के अंदर। अभी तृतीय चरण जो है जोधपुर संभाग के जालौर से हमने प्रारंभ किया, कल 3 तहसीलों की सुनवाई हुई, आज जालौर जिले की 4थी तहसील है साहिला। और इस दौरान जो हमें समस्याएं मिली हैं वह प्रमाण पत्र को लेकर मिली हैं, पेंशन योजना के तहत तो कुछ पेंशन यदि नहीं मिली उसको लेकर समस्या मिली है, कुछ विशेष योग्यजन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो उनकी कुछ समस्याएं आई हैं, वह भी हम लोग आज हमने देखा है। आपने देखा होगा कि सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और यथासंभव मौके पर ही समस्याओं का निदान भी किया गया है। और कुछ समस्याएं हमारे जो न्यायालय मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है प्रथम जालौर के अंदर, उसको लेकर भी आए हैं, जिनकी प्रकृति न्यायिक तरीके की है और उनको न्यायालय के तौर पर सुना जाए तो उनको भी जालौर के अंदर मोबाइल कोर्ट आयोजन के तहत उनको सुना जाएगा और उसमें भी त्वरित न्याय की संकल्पना के आधार पर उनको निर्णय किया जाए। ये तो हमारे साथ आयुक्त उमा शंकर जी शर्मा, इन्होंने बताया कि जो भी दिव्यांगों की समस्या आई है उनको जल्द ही तत्वित समाधान किया जाएगा। कैमरामैन सुमेर के साथ सुखदेव सिंह, राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साहिला, जालौर।